दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, बनाम कबीर पंथी संतों तथा महंतों के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से, आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्शन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागृत हुई, वही उसकी पहचान है, और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उसी पहचान से ही आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सतगुरु के रूप में। जी, कबीर साहिब जी ने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज़? नहीं नहीं, सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी, शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहिब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं जी। शब्दन विनसे विनसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहेब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी, और उसका कभी विनाश नहीं होता, ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया। तो जी, कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं, इसमें कुछ भिन्नता है? नहीं, सतगुरु कबीर साहेब सतगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सतगुरु के रूप में मानते हैं। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहेब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है जी, वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की जी। ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। तो कबीर जी ने कहा था कि जब धर्मदास जी से कहा था कि जब तक आपका वंश रहेगा तब तक मैं यानी कबीर जी इस धरती पर नहीं आऊँगा। देखिए, वंश का तात्पर्य होता है सदगुरु का वंश कहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि सदगुरु तो कोई शादी विवाह या बच्चे या किसी प्रकार संसार के रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं। सदगुरु की शब्द जो शक्ति है जिस अंश में विद्यमान रहता है वही उसका वंश होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा वचन मारे माने सो हंस हमारा, हमारा हंस कौन है जो वचन को मानता है। तो जब तक वचन की सत्ता एक शिष्य से दूसरे शिष्य में आता है वही उसका अंश होता है। तो ये धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब ने इसी सत्ता का संदेश दिया था जी। तो कलयुग में किस का नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, यहाँ मुक्ति के अलग अलग मार्ग शास्त्रों में और हमारे जो भारत भूमि में अनेक धर्म चल रहे हैं उनमें अलग अलग विभाग हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अनुसार और धर्मदास साहेब के पद के अनुसार गुरु ने जो उपदेश दिया जी, उस मार्ग में जिसकी सुरती और नृति है उसी मार्ग से वह मुक्ति को प्राप्त करे। तो अब दूसरे के मार्ग से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमारा कोई वो साध्य है वो। तो आपने यहाँ सुरती और नृति का जिक्र किया, ये क्या है? ये सुरती तो सबके पास है, एक सेकंड में आपकी सुरती दुनिया से के किसी कोने में चली जाती जी। और शब्द है जो सदगुरु के द्वारा बताया गया मार्ग, उसको
शब्द कहा जाता है, उस शब्द में यदि आपकी सुरती स्थिर होती है तभी वह सुरती उस शब्द स्वरूप शब्द के माध्यम से उस स्वरूप में जाता है, जहाँ जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा संतो सो निज देश हमारा। ये इस तरह से सदगुरु ने शब्द के माध्यम से ये गति और मुक्ति का मार्ग बताया। अभी आपने सुने लहर तारा तालाब के गद्दीनसीन कबीरपंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार, और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दीनसीन कबीरपंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दीनसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, हमने सुना है खरसिया वाली गद्दी तथा इससे संबंधित लहर तारा बनारस वाली गद्दी भी दामाखेड़े संबंधित है, क्या सारी गद्दियाँ यही से ही निकली है? सब यही से संबंध है, सब वंश अनुमाई आज भी उन्होंने वंश गुरु की परंपरा को मानते हैं, वही नाम को मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दीनसीन कबीरपंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दीनसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार, और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दीनसीन कबीरपंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में जो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। आप जी श्री धर्मदास जी की परंपरा में, आपके जो गुरु जी हैं वो श्री धर्मदास जी की परम्परा में कौन से नंबर के गद्दीनसीन हैं? वो हम लोगों के गुरु तो ये 14वें वंश गुरु थे, इनके प्रकाश नाम साहब के पिताजी और पंच श्री गिरध नाम साहब, तो हम लोगों के वो गुरु थे और उन्हीं के पुत्र ये हैं, अब ये बैठे ये भी हमारे गुरु हैं, आराध्य हैं। तो आप इनको अभी गुरु मानते हैं या गुरु भाई मानते हैं? नहीं नहीं, इन प्रकाश नाम साहब को गुरु मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दीनसीन कबीरपंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो अग। अब ये जैसे दामाखेड़ा वाले हैं, इनके सेवक से कोई पूछता है कि आपका गुरुजी कौन है, तो कुछ एज्ड व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे गुरुजी पंत श्री गिरद नाम जी हैं, और पंत श्री गिरद नाम जी श्री प्रकाश मुनि जो वर्तमान में दामाखेड़ा का महंत है उसका पिताजी भी है और उनके गुरुजी भी हैं। फिर उनसे पूछा कि ये प्रकाश मुनि जो हैं वर्तमान के महंत जी दामाखेड़ा के, ये आपके गुरुजी हैं या गुरु भाई है? तो बोला भगत, बिना ज्ञान के ऐसे बोला हुआ भाई, कहते ये मेरे गुरुजी हैं। इब तक गद मुनि को क्या था, मेरे गिरद नाम मुनि मेरे गुरुजी हैं, अरिब का प्रकाश मुनि भी मेरे गुरुजी हैं। अब गिरद मुनि के शिष्य और पुत्र श्री प्रकाश मुनि, और उसी का गिरद मुनि का है कोई और शिष्य, तो दोनों गुरु भाई हो गए, प्रकाश मुनि और वो गिरद मुनि का शिष्य। और फिर वो शिष्य ने कहा कि मेरा यू प्रकाश मुनि भी गुरु है, खा के उसके ज्ञान को धिक्कार ऐसे ज्ञान को। एक गुरु भाई, एक भाई और दूसरे अपने छोटे बड़े भाई ने कहा यो मेरा बाप भी है, यो भी मेरा बाप है, तो उस शराब में बोल सके क्या कति बोली बूच। जब गुरु भाई को और फिर गुरु अपना उसने वही नाम उसके पास वही आपके पास और दोनों के पास कख नहीं।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है, क्या ये सतनाम की ओर ही संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं और वो पांच शब्द देते हैं, पांच नाम, तो ये पांचों नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्यनाम कहा जाता है, परमात्मा सत्य स्वरूप ही हैं तो सत्यनाम ही उनका सत्यनाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है पांच, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का दोतक, आत्मा का दोतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुखराशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है और ये गुरु ही देते हैं। तो जो पांच नाम आपके गुरुजी देते हैं वो पांच नाम कौन कौन से? वो पांच नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं, कोई अलग से नाम नहीं दे। जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ये आदि है, अनादि है, इसका अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है, तो यही सब उसके पाँच नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीम महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कबीरपंथी महंत बांधवगढ़ गद्दी के गद्दी नसीन श्री हरीश जी के साथ और जानेंगे उनके विचार साहिब धर्मदास जी के बारे में और कबीरपंथ के बारे में। महंत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बांधवगढ़ गद्दी के बारे में अपने कुछ विचार रखें। बांधवगढ़ गद्दी तो ऐसे एक महान भूमि है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहेब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहेब की जन्मभूमि है और उन्होंने वहाँ पर स्वयं सतगुरु कबीर साहब आए, धनी धर्मदास साहब को अपने सारे उपदेश दिए और धनी धर्मदास साहब भी ऐसे भक्त निकले सतगुरु की भक्त जो अविरल है इस संसार में, और ऐसे भक्त की जन्मभूमि और कर्मभूमि की महान ही अलग होता है। इसीलिए कहा भी गया है सतगुरु धन्य वो भक्त जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त, जहाँ पे गुरु भक्त की जन्म होता है उसी भूमि की महानता ही होता है। और ऐसे महानता भक्त को देख के सतगुरु कबीर साहब उस भूमि में आके जहाँ पे सतगुरु कई वर्षों तक लगभग 35 वर्ष तक वहाँ रख के धनी धर्मदास साहब को वो ज्ञान उपदेश दिए हैं तो उस भूमि की महत्वपूर्ण भूमि है वो। तो महाराज जी, आप जी श्री धर्मदास साहेब जी के परम्परा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं? अभी वर्तमान हमारे इस गद्दी में जो धनी धर्मदास साहेब की परंपरा में वर्तमान अभी जो पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब गद्दी सिंह है वो 15वें वंश गुरु है। तो प्रकाश मुनि नाम साहेब जी से आपका क्या संबंध है? वो हमारे सदगुरु ही है। महाराज जी, जो आत्माएं मुक्त होकर सतलोक में जाती हैं वे सतलोक में भिन्न रहती हैं या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाती हैं जैसे बूंद समुद्र में? इसमें तो कोई सवाल तो नहीं, आत्मा और परमात्मा में तो कोई अलग नहीं थे, वही तो, इसलिए रामायण में भी लिखा गया है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ईश्वर का अंश होता है जीव होता है वो अविनाशी होता है। आप देखिए, आप इसमें सवाल जीव और परमात्मा कोई अलग तो होता ही नहीं। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी, निश्चित रूप से वही है, क्योंकि ये परंपरा ही चला आया है
सदगुरु कबीर साहिब धनी धर्मदास साहिब को दिए उनकी बात, वो क्योंकि उन्होंने कहे थे धर्मदास तो ही लाखों दुआहे सार वस्तु बाहर ना जाइए, सार वस्तु उनको दिए थे, धर्मदास विनती किए थे, अभी क्या था तब कहें जे सार वस्तु बंसन पाही अपना सज्जू लिखाई, सार वस्तु वही धर्मदास साहिब की जो दिए थे वही उनकी वंशज के पास है, वो जिसको लिखाते हैं उसी हिसाब से सबको दिया जाता है, निश्चित रूप से वही है, दूसरा कोई नहीं है। कबीर परमात्मा ने जो धर्मदास जी को मना किया था जब वाणी बोल रहे थे जी। कि उन्होंने सार वस्तु बाहर न जाने के लिए मना किया था, तो अब सार वस्तु बाहर कैसे आई फिर? कि उन्होंने फिर आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने दया के भीख मांगा जी मुझे दे रहे हो ये सार वस्तु, उनकी आत्मा में इतने भाव आ गया था जीव जगत के प्रति हर पे अंतर दया भावना आ जाए थे, जो मेरा मुक्ति होगा तो क्या होगा, बाकी संसार के जीव कहाँ जाएगा, जो इस नाम को हम गुप्त रख देंगे तो आप संसार के सत्य पुरुष हो, संसार के जीव के कल्याण करने के लिए अब ये सार वस्तु कैसे जाएगा, तो उन्होंने उस वंश परंपरा को स्थापन करके उन्होंने बोले ये वंशन के पास रहेगा, जो वंश शरण में आएगा वही इस सार शब्द को पाके भवसागर से तर सकता है। कबीर जी ने सार नाम का भी वर्णन किया है, वह सतनाम की ओर संकेत है या कोई अन्य मंत्र है? वही सत्यनाम ही है। अभी आपने सुने दामखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीम महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, दामाखेड़ा वाले संतों में महंतों का कहना है कि जो सार शब्द कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को दिया था वही सार शब्द हम अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं, और हम यह भी सुनते हैं कि कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को यह सार शब्द गुप्त रखने के लिए कहा था, यह कहाँ तक सत्य है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे पहले भये प्रणाम तिन नमो जो अग। पुण्यात्माओं, ये दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज हैं उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप वही नाम दान करते हो जो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया था? तो ये कहते हैं हाँ, ये हमारी परंपरा में वही नाम चला आ रहा है। फिर इनसे प्रश्न करते हैं कि सार नाम, सतनाम, आदि नाम, सार शब्द ये क्या वस्तु है? तो ये कहते हैं जो हम मंत्र देते हैं अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, कहते ये है वो सार शब्द और यही सतनाम है, ये पांच नाम है। और फिर इनसे कहते हैं कि धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, और सार शब्द तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, ये कितना भ्रमित करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दोहाई और ये सार शब्द कई बार न जाई, तो इनके पास कहाँ से आ गया? ये कहते हैं हमारी परंपरा में चला आ रहा है। कबीर साहब ने जब मना कर दिया था कि इसको तब तक छुपाना जब तक ये बारह पंथ ना मिट जावे, अब ये बारह पंथ अब मिटेंगे, बारहवां पंथ गरीबदास पंथ है और तब तक तो एक भी पंथ ना चला था, तो धर्मदास जी ने कैसे खोल दिया आपके पास? ये कोरी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित हैं और अनुयायियों को भी ये गुमराह किए बैठे। जैसे एक मोटा उदाहरण है, परमेश्वर कबीर जी ने इस सार शब्द को इतना कॉन्फिडेंशियल रखना था कि धर्मदास जी से कहा कि इसको कहीं बताना नहीं, फिर भी परमेश्वर ने सोचा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करना दे और मेरी सारी बात बिगड़ जा,
काल का दाव लग जावे। तो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र पंत श्री चूड़ामणि जी अर्थात श्री मुक्तामणि नाम साहेब जी को स्वयं दीक्षा दी और स्वयं ही आगे दीक्षा देने का अधिकारी गुरु पद पर विराजमान किया। धर्मदास जी पर विश्वास नहीं किया उन्होंने कि कहीं ये मोहवश मेरे इस अनमोल मिशन को फेल ना कर दे, ये घना नर्म आत्मा का है, इसको बहुत चिंता बनी रहती है अपने वंशजों की। बार बार कहता था कि आपने मना कर दिया है मुझे कि सार शब्द किसी को नहीं बताना, सतनाम भी नहीं बताना, और आप जी ने परमेश्वर मुझे 42 वंश का वरदान दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा, तो ये कैसे पार होंगे, ऐसे कहकर घना मायूस हो जाता था। परमात्मा को पता था कि यदि इसको मैंने आगे नाम देने का आदेश भी दे दिया तो ये अवश्य काम बिगाड़ देगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने उसको आगे ना तो नाम देने का अधिकार दिया किसी अपने भी वंशजों को, और अपने ही सामने कबीर जी ने और बहुत दूर ले जाके जगन्नाथपुरी में, जहाँ बैठकर परमात्मा ने बहुत वर्ष पहले कबीर जी ने समंदर को रोका था, और धर्मदास जी को ये बहाना बनाकर लेकर गए कि चलो तुम्हें वो स्थान दिखाते हैं जहाँ बैठकर मैंने समंदर रोका था। उससे परिवार चले गए, फिर धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तू प्रस्थान कर जा, सतलोक जाना चाहता है, कहाँ जी जाना चाहता हूँ। कहते हैं जीवित ही समाधि दे दी उसको, जीवित समाधि ले ली, दोबारा उपदेश दिया, परवाना दिया, इस कारण से कि ये डगमग आदमी है और सार शब्द न की तक खोल देगा। लिखवा दिया उससे, लिख दिया उसने पूरा इस कबीर सागर परमात्मा की वाणी में, ये प्रमाण है उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा है, दामा खेड़ा वालों की एक पुस्तक है आशीर्वाद, उस पुस्तक में ये प्रमाण है। और ये स्वयं भी बताते हैं, खुद कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली थी और कबीर साहब साथ जा कर के उनको समाधि दिलाई थी जगन्नाथपुरी में। इसे सब सिद्ध है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस सार शब्द को और सतनाम को कितना कॉन्फिडेंशियल रखा, और ये कहते हैं हमारे पास वही नाम है, खाके इनके पास झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अन्य अनुयायियों को भी ये मूर्ख बना रहे हैं। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की, ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म जिसे हम संत भाषा में सत्पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। वहां से उनको नीरु नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे, वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, धन भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और ना इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरुपद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की, वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भक्ति युक्त थे, ये पूर्व जन्म के पुनकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको
प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं एक महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहें तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा। अरे एक मिनट में मृत्यु हो जा फिर गधा बने अंडा, वो भगवान वो साहब है। पीछा छटवाना चाहिए था, वो बकवाद घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहाँ भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहाँ तक पहुँच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, भक्तों का मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात तो उसके वो पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने, वो इनके पास है नहीं। और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूँ। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता इस मार्ग को समझ कर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले, अरे जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे रो अलग बात है। अब इनके जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु पर मंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है, अब इस तक ये खाक बोलेंगे। इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, दस दस बीस बीस सौ सौ वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए, अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है, अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यूँ सच्चा है, मैं झूठा हूँ, क्यों उसके आगे उसके सामने अहम अड़ जाएगा, ईगो है उसके अंदर। अरे यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरु जी कह देते नहीं उसको क्या पता, और फिर यहाँ तक बताते हैं इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम,
उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई दात में ज्ञान चर्चा नहीं करी, अरे यू बोलने लाग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है। स्वामी जी हमारे शरीर में कुछ कमलों का विवरण आता है, ये कहाँ कहाँ है? सबसे पहले मूलाधार चक्र पर चार चतुर्दल कमल हैं जहाँ गणेश जी का वास है, सिद्धिदायक है, वहीं से पूरे कार्य संचालित होते हैं, जो भी शक्तियाँ गुदावान से ही प्रारंभ होती हैं। शिशनेन्द्रिय पर खटदल कमल हैं जहाँ ब्रह्मा जी का वास है और यहीं से सृष्टि होती है, वो रचयिता है और इसको स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। मणिपूर्वक चक्र नाभि में जहाँ विष्णु जी का वास है, अष्टदल कमल कहलाता है, यहीं से संचाल पालन करता, पेट ही हमारे पूरे जिस्म का पालन कर रहा है। और हृदय में चौथा चक्र है अनहत चक्र, जहाँ शिव का वास है, अहंकार के देवता है, जो अनुभूति हो रही मैं हूँ ये वहाँ से ही ताकत चलती है। पांचवा विशुद्ध चक्र कंठ में जहाँ आदिशक्ति हैं, जितने भी स्वर हैं वो कंठ से ही निकलते हैं, यहीं पर ही वो बनते हैं। और छठा आज्ञा चक्र जहाँ आत्मा का वास है, यहीं पर ही आत्मा बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। सातवा सहस्त्रसार है जहाँ पर मन और निरंजन का वास है, वेद यहाँ तक बोल रहे हैं और योगेश्वर यहाँ तक बोल रहे हैं। कबीर साहब ने आठवें चक्र की भी बात कही, सूरत कमल सदगुरु को वासा, तो संतत्व का आठवां चक्र शीर्ष से सवार हाथ ऊपर बोला गया, आठवें चक्र की बात संतत्व की धारा बोल रही है। आठवां चक्र कहाँ होता है महाराज? शीर्ष से सवा हाथ ऊपर इसको बोला, अधर आसन किया आगम प्याला पिया, कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। शीर्ष से सवा हाथ ऊपर शून्य में, शून्य अब फेल हो गया यू कि आठवां कमल आठवां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो नौवें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई और मधु परमहंस जी नौ के आकृता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ एक भक्त अभी अभी आया एक महीने से 20 दिन से, वो बता रहा था जी मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था, गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं जिसने प्रेम रावत अमरीका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं और भी कई ने ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ने वो संत जी और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी वार है शेरो बता फेरे तो ले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी तो पुणात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था, इस दास पर दया करी दाता ने, ठीक है संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा इन अज्ञानियों ने, दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्यूना बताया एक नंबर का आदमी है, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहाँ दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली, फिर मेरा वहाँ से मन हट गया किसी बात पे, फिर टीवी देखा इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा, कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नोम दीक्षा दीक्षा वह हूँ। तो मैंने वहाँ दीक्षा ले ली, 2 वर्ष से वहाँ मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से जम्मू वाले से, फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था वो भी सुनन लग गया मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरुजी का भी सुन रहा था श्रीमद परमहंस जी का, और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को नो कहे, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं, इब हम निर्णय कैसे करें, या तो जब बात पड़े या दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते, 10-1 दिन के बाद वह दया भी होगी साधना टीवी पर दोनों आमने सामने,
और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अखिलेश जी इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्री मधु परमहंस के मेरे साथी चेले थे और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सिर मारा धरती में पटक के, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हम आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पास मधु परमहंस द्वारा खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई, चलो वहाँ आश्रम में सैकड़ों की संख्या माँ का नाम लेगे उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने अदात्मी ज्ञान चर्चा करी है कोनी, टीवी पर अब सत्संग आता है इसका जी जागरण पर, उस पर एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है देख ये कौन है शैतानी ताकत जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है। मन साहेब वाणी में कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर यथार्थ में एक ऐसी ताकत काम कर रही है जिसका पूरा हुक्म आत्मदेव को मान। देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे जो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मैं हार गया यू जीत गया। भाई सरेआम कहते हैं वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला ने कहते आत्मी ज्ञान तो हम लोग करिए को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है शब्द है धरती शब्द आकाश, नानक देव जी भी कह रहे हैं शब्द है शब्द भय प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पास है नानक शब्द घटा घटा से। कबीर साहब ने जब इस सृजन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है हमारी वेबसाइट पर, हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये 2 शब्द में नहीं दी जा सकती। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज़ है, परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए जो प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया, इधर से हमारे पूछ लिए हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई। अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, देख लेना या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, श्री मधु परमहंस जी का चेला था, वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ, पहले बात करते थे फिर बात करनी बंद कर दी, चेला ने उठाया फोन। तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने, अरे ये मधु परमहंस झूठ बोला इंद्री, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डट रहे, हमें कोई शांति दो, ये श्री मधु परमहंस जी 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखा दिया। स्वामी जी 8वां कमल कहाँ है? शिष्य सवा तुम पर इसको बोला अधर आसन किया आगम प्याला पिया, कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं अष्टम चक्र भी कहते हैं। शिष्य सवा ऊपर शून्य अरे यो 8वां कमल बताओ शर्तों ऊपर सवा हाथ है किसे गए, हाथ मार के देख लो है कि तय, छोटे में झूठ बोलने लग रहा, वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में बिना बता है तेरा गजब हुई, फेल हो का प्रमाण है इनका कि फेल हो गए, जब जो नाटकीय हमने कोई बात तय नहीं करी, अरे ये वीडियो बोलने लग रही। अरे उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो,
ऐसा चाप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए, ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए, और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए, इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत व्रत करते हैं, या सा लासर वैष्णो देवी जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में, तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी, हुई तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा बैठा दिया हमारा, तो वो सीधे आगे। और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे, गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुँचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से, वह भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है, तो वो इसलिए अभी वो ज़्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करेन की तरह काट के दर्द दूंगा और फिर आप आ जाएंगे पाज के। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ हो ना और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीने 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो लिया कंडे वो तो ये सारे इसे कर दिया, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास इतना अनमोल जी उन्नास कर दिया, तीन तीन चार चार पीढ़ी डबो इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीरपंथियों ने। तो पुण्यात्माओं सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग वो है जिसमें केवल सत बताई जा, झूठ का समावेश ना हो, और इनके पास सारी झूठ सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान, और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। तो पुण्यात्मा दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है, इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी ये जितने भी नकली पंथ हैं खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे ग्रह पर धक्के खाते बता उन खाकी खो क्या के है बता, या अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावाएंगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे, वे एकदम आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो, फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं, तो जिनके पास कख नहीं वहाँ हम सेट होकर बैठ गए,
अरदास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे न कहो तो निंदा करता है, तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहण की तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। जब मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मन मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी, धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा, हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैश्य था नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा, भगवान ने इस नारायण दास का तो ना चले तो अच्छा, बताए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा मैं अपने कोटे तक दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में, चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा, कितने अच्छे ढंग तरह, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, संरक्षक पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंत दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहिब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। अच्छा फिर है लेखक, लेख किसका है, पंत श्री गिरंध मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा, प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब, ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी अपसेट नागपुर दूरभाष इतने इतने। और ये हैं वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं, ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ लिखा इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है, यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहेब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहेब जी कबीर पंथ के आधार शिला हैं। धनी धर्मदास जी साहेब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथानुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ, और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप
निर्वमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यह बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए। 1520 में और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र होगी थी जब धर्मदास जी की, उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरे थी तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास, 88 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यस भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे, अकिया पेट इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अठड़े कौन हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया, ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु, अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरे जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला, जी जच गीत है, जब इसी लीला देखी, और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ, उसको मुक्तामणि नाम साहेब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ पांच नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये दो अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए, सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि को आदेश दिया कि ले बेटा ये पांच नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना, उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे, ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा, धर्मदास जब तेरी छठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये पांच नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खा ली जाए, ये मैं साची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा, फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे, वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता। तब वो बहुत चिंतित हो गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 नकली पंच लाऊंगा कबीर जी के नाम से,
उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा, उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊँगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे नस्कल युग ने उस समय आप देखना और सब पंथों को ख़त्म करूँगा, सच्चा ज्ञान बताऊँगा और सभी पंथों को ख़त्म करके एक पंथ चलाऊँगा तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूँगा उस समय के, तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा पार क्यों चिंता करता है। तब तो धर्मदास का दिल डट्या, ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा यह चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूँ ना यह बात है ये उसमें सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा, मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा, सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम, और मेरा वचन जब सच्चा होगा जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब तक तय निराधार दिखाई देगा। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग तब मैं आऊँगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊँगा, जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई, काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और द्वादश पंथ करूँ मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई, अर जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा आन दे टेम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में क्या बताया है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराशि कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है, ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागरी, ये नोना ये उन्हीं का है कबीर पंथियों का छाप्या हुआ कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत और ये मुद्रक के प्रकाशक कबीर सागर केंद्र बोध सागर और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाहीं, युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे, चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजे तब तुम संसार गौन ही गिजे। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी मोह को ठगे काल भी मानी, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनों वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा। और फिर के 5505 तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं अपना अंश भेजेंगे और काल पंथ छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा ज्ञान का और सत नाम सब ठोर उचारा, सब जगह सत नाम का दिया जाएगा सब जाप क्रिया करेंगे। और 5505 जब यह वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता,
यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे। यहाँ देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूल्य जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या वन समारा चूड़ामणि साखा, प्रथम जग में जागो ब्रह्मावे बिना भेद वो गंध चुरावे, दूसरे सूरत गोपाल होई अक्सर जो जोग दृढ़ हावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चल लेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत करके है। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है, इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने और दूसरा जागुदास, और यहाँ लिख रखा है ना प्रथम जागुदास, देखो यहाँ इस कबीर बाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागुदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है ये। अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागुदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यु कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। यु 12वां पंथ याद रखो, ये गरीब दास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आ गए हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना, इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात आगम कह हम बाख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको, वन समारा चूड़ामणि साखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने, प्रथम जग में जागो ब्रह्मावे बिन जागो जुगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ और ये सारा वही है, परम धाम की वाणी पंथ है। और यहाँ आ गए हम, ये 10वां पद है परम धाम की वाणी, अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां, कहते संवत 1775 हुई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, संवत 1774 में गरीब दास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैसाख में, यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए, तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा, साख हमारी ले जीव समझावे असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी शब्द हमारी की निर्णय ठान, 12वें पंथ में गरीब दास वाले पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी, पुनः आत्माओं गरीब दास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीब दास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे सुरानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था, परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथों में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामों निशान मिटा देगा ज्ञान का, तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए, उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ
प्रगट हववाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, ये बारह अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये बारह पंथ हमी को जावे, यानी मेरी वाणी को बार में पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये बारह पंथ हमी को जावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है, कहते बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोक सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते, बर में पंथ फिर हम ही चले आवें, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा कर एक ही पंथ चलावें। पुणात्माओं परमात्मा ने आज दास भेज दिया सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे, उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ। तो पुणात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सदगुरु हमें दे गए, और कहती बारह पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना, कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे, कहते मैं सह शरीर जाऊंगा मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने तीन चरणों में बांटा है, प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कृतगनी हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये है प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे, आपके ग्रह से पुण्यात्मा आएंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी, ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारु तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा, 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर वाणी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोक सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते, बर में पंथ फिर हम ही चल आवें, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा कर एक ही पंथ चलाएं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना, धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी तब धर्म बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो या ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है भूल नहीं, मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो गोई रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या गोई राख्या, और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम नहीं बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे, काल के दूतान द्वारा नाम होता
अधिकार ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली रही असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गए छोड़ा सबको ऐसे ही कहा था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है दो अक्षर का, ये अरना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पर नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवा वंश ज्ञान चतुराई, आठवा वंश पंथ विरोध, नौवा वंश पंथ पूजा, दसवा वंश प्रकाश, ग्यारहवें वंश प्रकट सारा, बारहवें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का बारहवा पंथ, इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी, यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ हैं मेरे गुरुदेव ने छोड़कर, जितने भी संत महंत दास ने खूब छाण मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है, यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है, एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिएगा, एक जीवन चरित्र है आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, इसके लेखक हैं अवधूत भक्त राम जी, संत भूरी वालों के शिष्य। ये ओम से शुरू करते हैं, ओम श्री गरीबाचार्यो विजेतराम, ओम सतगुरदाता है कलमाई, प्राण उदाहरण उतरे साई, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 1008 श्री जगत गुरु श्री गरीबाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र, संक्षिप्त जीवन चरित्र, और इसको किसी ने छपाया है अवधूत स्वामी भक्त राम। देखिएगा, इसके दो भाग हैं, फर्स्ट भाग में ये भूमिका आदि है, इसमें भूमिका के अंदर इन्होंने 33 पृष्ठ पर, ये 32 पृष्ठ इधर को, ये 33 पृष्ठ इधर, इसमें क्या कहा कि सबसे पूर्व में एकमात्र निराकार ब्रह्म था, इसी को श्रुति भी बतलाती है कि सदैव सोम एतम अग्रम आसीत इत्यादि, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको, अब सेकंड भाग में दिखाते हैं आपको, जीवन चरित्र शुरू होता गरीबदास जी महाराज का, 10 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ पर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति को स्थिर करके निश्चल मन से के द्वारा उन्हीं का श्रवण मनन कीर्तन ध्यान और पूजन आदि करना चाहिए, कहा भी है। फिर यहाँ 11 पृष्ठ पर आ गया, प्रश्न उत्तर चल रहा है, और ये ही सगुण ब्रह्म होकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करते हैं, स्थिति काल में प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, और आखिर में भी वे ही रुद्र रूप होकर इस चराचर विश्व का संहार भी करते हैं, और यही सृष्टि स्थिति और विनाश, ये तीन प्रकार के ही तो उनके कर्म हैं, ठीक। इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब, श्री भगवान ने गीता में सब कह दिया है कि अर्थात इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब
मेरे ही अंश हैं, चाहे वे पशु हों अथवा पक्षी हैं, कीट पतंग हों, चाहे मनुष्य योनि में उत्पन्न हों, ये सब मेरे ही तो अंश हैं। अतः मैं उनमें से किसी भी रूप को धारण करके अवतरित हो सकता हूँ। अब तक मैं जिन जिन रूपों में अवतरित हुआ हूँ उनको सुनो। अब श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यानी विष्णु जी, कि मैं अभी तक किन किन के रूप में अवतरित हुआ हूँ, ये देखिए। अब 12 पढ़ेंगे। जीवन चरित्र गरीबदास जी, ये कहते हैं, एक नंबर पर अवतार हुआ हूँ, सनकादिक अवतार, फिर वराह अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, नारद अवतार, यज्ञ अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ऋषभ अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे नरसिंह अवतार, और फिर श्री कृष्ण अवतार, और हरि अवतार, कबीर अवतार, और गरीबदास अवतार, और नानक अवतार। देखो इनकी अकल देखो कहाँ सेट कर रखा है। अरे परम अक्षर परम कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी, कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है। उन आत्माओं, इस दास के विषय में आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को भेजा है, वो कंप्लीट कोर्स देकर, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान वो मूल ज्ञान है और सार शब्द। अभी तक ये छुपा के रखना था, जब तक 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करना था। और जब ये समय आया, कबीर परमेश्वर जी ने दास को स्पेशल आदेश दिया, स्पेशल आ करके और कहा कि शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूँगा, चिंता मत करना, अब समय आ गया इसको डिस्क्लोज करने का। तो वो अब डिस्क्लोज कर दिया गया। अब कबीर साहब कहते हैं ये 12 पंथ हम ही को धावें, ये कबीर नाम से जो पंथ चल रहे हैं कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन साधना ठीक नहीं है और अस्थिर घर का मरम निपावें। वो कौन से, ये बारहवां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और बारहवें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कहा कि गरीबदास वाले पंथ तक के व्यक्ति उस सतलोक नहीं जा सकते, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, असंग जन्म तक गरीबदास पंथ के भी असंग जन्म तक सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी साधना गलत है, क्योंकि दास ने गरीबदास पंथ की पूरी पद्धति का पता है, उसमें क्या नाम देते हैं। सबसे ज्यादा गरीबदास पंथ का फैलाव श्री भूरी वाले महाराज जी से हुआ है, जो पंजाब रामपुर के रहने वाले थे, और वहाँ से वो दीक्षित हुए गरीबदास पंथ में किसी संत से। उन्होंने कठोर घोर तप किए, जैसे आम ऋषि महर्षि किया करते थे, और सोहम का जाप करते थे, सो बाहर हम अंदर। गरीबदास पंथ में एक हांडी में दो पेट किए जा रहे हैं। संतों को जो लाल कपड़े ले लेते हैं, संत बन जाते हैं, उनको देते सोहम नाम, वो भी दो, सो बाहर हम अंदर, और गृहस्थियों को देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, या ओम नमः शिवाय, या सतगुरु सतगुरु। कमाल के आदमी हो, सब ने जाना वही है, संतों ने भी वही जाना, वो भी तो इंसान ने है, वो कौन से मिनिस्टर लग गए एक लाल कपड़े पहन के, जब ज्ञान उनके पास है नहीं, और ऐसे गृहस्थी ने भी वहीं जाना है, तो दोनों की एक का साधना होती है। ये मूर्ख बना रहे हैं, इनने तो काम कर रखा है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा स्टेशन पर, जाना था उसने आगे, उसने सोचा कुछ फल ले आता हूँ, वो थोड़ा आगे चला गया, तब तक वो गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी वहीं आकर लग गई। उसने जाना था अमृतसर, और वो गाड़ी लग गई बम्बई जाने वाली, जिस स्थान से वो उतरा था उसी स्थान पर जो कंपार्टमेंट लगा था उसी में चढ़ गया, और ऊपर की सीट पर बैठा था, रात का समय था, ऊपर वाली पर चढ़ गया, गाड़ी चल पड़ी। काफ़ी दूर गाड़ी जाली, तब उसने नीचे वाले से पूछा कि आप कहाँ उतरोगे।
जो उसकी सीट के नीचे बैठा था उसी कंपार्टमेंट में, वो नीचे वाला कहने लगा मैं बम्बई जाऊंगा। अब उसने जाना था अमृतसर दिल्ली से। अब उसको ये शंका हुई नहीं कि तू गाड़ी दूसरी में बैठ लिया, तो वो क्या कहता है भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, ऊपर वाला जा रहा है अमृतसर, नीचे वाला जा रहा है बम्बे। वाह भाई वाह, गरीबदास पंथ वाले ऐसी तरक्की कर रहे हैं, संत तो जपेंगे सो हम सो बार करके हम अंदर, हर गृहस्थी जपो सतगुरु ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः, खा के इनके पास अपना जीवन नाश कर दिया और दुनिया को डुबो दिया। तो इस समझदार ने इतना बतेरा संकेत, जब इनकी थ्योरी गलत है प्रैक्टिकल कैसा होगा, वो भी सही होगा। ये ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते हैं, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, यानी सबसे पहले एक ब्रह्म था। अरे ब्रह्म तो काल है, पर ब्रह्म यो अक्षर पुरुष है और परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है वो है पूर्ण परमात्मा, वो सत्यपुरुष है, वो कबीर जी हैं। हमने प्राप्ति करनी है उस परम अक्षर ब्रह्म की, और ये अटके पड़े ब्रह्म पर। हर श्री कृष्ण जी के अवतार कबीर साहब को बतावें, देख इनकी अकल। इसलिए कबीर सागर में कहा कि ये गरीबदास पंथ वाले तक ये अशक जन्म छोड़ नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमी को जावें, सब कबीर साहब को मानते हैं। आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है, उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है, ये संपूर्ण 11 भाग। ये नूना ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छाप्या हुआ, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक है प्रकाशक। ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे। यहाँ देखिएगा द्वादश पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागो ब्रह्मावे बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई अक्षर जो जोग दृढ़ आवे सोईत, तीसरा मूल निरंजन चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चल लेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे उन्होंने। और यहाँ देखना ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है, इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागुदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागुदास, देखो यहाँ इस कबीर बाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागुदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागुदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यु कमाल का पंथ, कमाल वाला कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यु 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है, यहाँ क्लियर है गद्य भाग में। और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना, इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात आगम कह हम बाख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा,
थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो ब्रह्मावे बिन जागो जोगो सुरत गोपाल वही है टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आ गए हम, ये दसवां पद है परमधाम की वाणी। अब ये ग्यारहवा है वास्तव में, अब ये है बारहवा। कहते संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैसाख में, यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 होई, ये 74 होई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, बारहवा पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे कोली चमार सब के घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। बार में पंथ प्रगट हो वाणी शब्द हमारी की निर्णय ठान, इबार में पंथ में गरीबदास वाले पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुणात्माओं गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहेब जी को, 10 वर्ष के बालक थे सुरानी गाँव में, वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथों में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का, तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना कर छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आँखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि बारहवें पंथ प्रगट हवा वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो थो था भूसड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने, फिर इस दास को देखियो आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते बर में पंथ प्रगट हो वाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं परमात्मा ने दास भेज दिया सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे, उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ। तो पुणात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सदगुरु हमें दे गए। और कहते 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे, कहते मैं सह शरीर जाऊंगा मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है, प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कृतघ्नि हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे, आपके ग्रह से पुण्यात्मा आएंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी।
ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यह हम कबीर वाणी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोक सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवें, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना, धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो या ना जच्चे किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है भूल नहीं, मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो गोई रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या गोई रख्या, और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे, काल के दूतान द्वारा नाम होता अधिकारी ये है नहीं, और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली रही असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना तुम जाप करो, ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गए छोड़ा सबको ऐसे ही कहा था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है दो अक्षर का, ये अरना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बना के आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है 134 पृष्ठ पर नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम ये चूड़ामणि जी हैं, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, दसवां वंश प्रकाश, ग्यारहवें वंश प्रकट सारा, बर में पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का बर्मा पंथ, इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। तो अभी इसमें क्या बताया है बर्मा पंथ गरीबदास, बर में वंश प्रगट होवे उजियारा, जैसे कहा था ना बर में पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, और बर में पंथ में फिर हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ हम फिर आ गए 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे, अब बर में शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके लिए देखिएगा स्वसम वेद बोध कबीर सागर में।
कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराशि कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागरी ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छाप्या हुआ, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक है प्रकाशक। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। कबीर साहब ने कहा था द्वादश पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई, और जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा आन दे टेम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में, क्या बताया है ये देखिएगा। बोध सागर कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है, इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाहीं, युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे, चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजे तब तुम संसार गौन ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी मोह को ठगे काल भी मानी, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनों वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा। और फिर कह 5505 तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सकल सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छोटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेवेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा ज्ञान का, और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप क्रिया करेंगे। और कलयुग 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। सब संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था, 121 पृष्ठ पे यहाँ पर कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़ का कबीर साहब का, घर घर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोर उचारा, खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं का, सत नाम का वो दो अक्षर का नाम है, और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता, सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना ये कबीर साहब का फिर सौसम बोध ही चल रहा है, 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपने आत्माओं इस पर लिखा है 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब यानी 5505 कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा, वहाँ तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तब जैसे नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे,
हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान और सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे, सारे जितने भी जीव जहान में और दो सत नाम की साख ले वो पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे।